नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित है छातापुर प्रखंड अंतर्गत भीमपुर थाना के पास। अभी यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो भीमपुर थाना अध्यक्ष के माध्यम से और जो छातापुर पुलिस प्रशासन है और सुपौल पुलिस प्रशासन है, उनके काफ़ी मुस्तैदी के साथ कई जगहों पर नाकाबंदी किया गया है। वही ना कि प्रशासन बिल्कुल ही मुस्तैद नज़र आ रही है और जगह जगह पर नाकाबंदी कर रहे हैं। और जो लॉकडाउन को लेकर करके अभियान चलाया गया है, जो बिल्कुल ही लॉकडाउन किया गया है, उसको सफल बनाने के लिए प्रशासन हमेशा सतर्क रह रही है, वही देखने को मिल रहा है अभी भीमपुर थाना क्षेत्र में। ऐसा है कि हमारी पुलिस काफ़ी मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला अधिकारी महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि आप लोग जहां भी हैं पूरी मुस्तैदी से, लगन से इस ब्रेकडाउन को सफल करें। और हम लोग पूरी तत्परता से इसमें लगे हुए हैं, सारे जवान लगे हुए हैं, सारे पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं, और इसी का नतीजा है जो आप बता रहे हैं। भीमपुर थाना अध्यक्ष है, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या खास है, अभी बात करें अगर भीमपुर थाना क्षेत्र का, तो जगह जगह बिल्कुल ही नाकाबंदी है और मार्केट भी पूर्ण रूपेण जो बंद देखा गया हम लोगों के पड़ताल में, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? हमारे जो भी जवान और पुलिस पदाधिकारी हैं जी, और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, सभी जो है सो अपना ड्यूटी जो है बढ़िया से बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। हम लोग भी लगातार गश्ती कर रहे हैं थाना क्षेत्र में, और हमारे जो भी चौकीदार या और भी जो कोई भी हैं हमारे पुलिस कर्मी सब मुस्तैद हैं। और ये जो है लॉकडाउन पूरी तरह भीमपुर थाना क्षेत्र में सफल रहा है और आगे भी रहेगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ही आप लोग चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, सभी प्रशासन एक साथ, क्या कहेंगे? कि हम लोग का पूर्ण प्रयास है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। इसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से आइसोलेट होकर रहें, और इस कारण से ही जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये फैसला लिया गया है। और इसके लिए हम लोग पूर्ण प्रयासरत हैं कि इसको सफल बनाया जाए और कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत को मुक्त किया जा सके। जो मजिस्ट्रेट के रूप में है, जो मनरेगा के पीओ हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका 100% यहाँ पालन हो रहा है। इसके एक बार दूसरा दवा का जो अभी दुकान है यहाँ पर, या जो खाद का जो पदार्थ है, सब्जी है, जितना भी चीज़ है, उसको हम लोग की तरफ से रोका नहीं जा रहा। उसके बाद भी जांच किया जा रहा है, अवैध ढंग से कोई सामान ऐसे जा रहा है जिसको हम लोग थाना में उसको गाड़ी उड़ी जब्त करवा करके भेजते हैं, और जो नियम है सरकार के द्वारा उसका पालन किया जा रहा है। सब अपने अपने घर में रहे, 14 अप्रैल तक कम से कम अपने घर में रहे, ज़रूरत पड़े, बहुत ज़रूरी पड़े उसके बाद ही घर से निकले। प्रशासन के द्वारा पूरा सतर्कता यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। क्या प्रतिनिधि है, उनसे भी बात करेंगे। जो हम लोग को जैसे वरीय पदाधिकारी के जैसा दिशा निर्देश मिला है, हम लोग उस पर पालन कर रहे हैं। हम लोग को आदेश दिया गया कि अपने ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य कमेटी बना के बैठक करके और घर घर जाके उनको समझाइए अपने लॉकडाउन का, पूरा 100% पालन।